हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्नो इस लाइव पे। तो कल मैं बोला था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाया है, उसका फर्स्ट पार्ट मैं कल लेकर आया था। आज मैं उसी पीडीएफ का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। मैं 35 के बाद सारे क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो जिन दोस्तों को इस पीडीएफ ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ पर जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोल देना चाहूँगा, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और इसको पीडीएफ जो भी वीडियो आते हैं उसके आपको पीडीएफ भी मिलते रहे ताकि आप स्टडी करने में आसानी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है। अ प्रोडक्ट इज सेड टू हैव अ क्वालिटी व्हेन, अ प्रोडक्ट बोलता है जिसकी क्वालिटी अच्छी हो क्या होनी चाहिए। देखिए ऑप्शन ए, इट्स शेप्स एंड डायमेंशन आर विद इन अ लिमिट। ऑप्शन बी, इट्स अपेयर टू बी वेरी गुड। ऑप्शन सी, इट इज फिट फॉर यूज। ऑप्शन डी, द चॉइस द मेटेरियल इज राइट। तो इसका आंसर होगा 36 का सी, इट इज फिट फॉर यूज। 37 नंबर देखिए क्या बोला, विच टेपर यूज ऑन ए स्पिंडल नोज ऑफ द लेद हेड स्टॉक। आपको पता होगा स्पिंडल नोज के लेद हेड स्टॉक में आपका मोस्ट टेपर होता है, 37 का डी। 38 में क्या बोलता है, व्हाई डू यू होल्ड अ वर्कपीस लेंथवाइज व्हाइल मशीनिंग इन प्लानिंग मशीन। प्लानिंग मशीन में मशीनिंग करते समय आप जॉब को लेंथवाइज क्यों होल्ड कर सकते हैं, क्यों होल्ड करते हैं। ऑप्शन ए, इट इज इजियर टू लोड अ वर्कपीस लेंथवाइज। ऑप्शन बी, द आइडल टाइम विल बी मिनिमाइज। ऑप्शन सी, द सरफेस क्वालिटी विल बी इंप्रूव्ड। ऑप्शन डी, द टूल लाइफ विल बी इंक्रीज। 38 का आंसर होगा सी, द सरफेस क्वालिटी विल बी इंप्रूव्ड। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ होल उस लोअर डिविजन इज जीरो कॉल्ड बेसिक होल, विच वन द फॉलोइंग लेटर इंडिकेट बेसिक होल। आपको पता हो होल को डिनोट के लिए हम जल्दी कैपिटलाइज लेटर का यूज करते हैं, 39 का डी होगा आंसर एच। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है, रफ एंड फिनिश बोरिंग ऑपरेशन आर कैरिड आउट टू अ मशीन अ होल इन अ मिलिंग मशीन। फॉर रफ बोरिंग के लिए आप क्या सिलेक्ट करेंगे। आपको पता होगा जब भी हम लोग कुछ रफ बोरिंग करते हैं, रफ चीज करते हैं, हमारा स्पीड जो होता है उसको स्लो कर देते हैं, हमारा स्पीड ज़्यादा देते हैं। पर ठीक उसका उल्टा, अगर फिनिश ऑपरेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्पीड को बढ़ा देते हैं और फीड और डेप्थ को कम कर देते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, स्लो स्पिंडल स्पीड और कोर स्पीड। देखिए 40 का जो बी आंसर है, स्लो स्पिंडल स्पीड और कोर स्पीड, तो इसका आंसर होगा 40 का 40 का बी। 41 देखिए क्या बोल रहा है, वाइल मशीनिंग कास्ट आयरन कूलेंट शुड बी। बोल रहा है कास्ट आयरन के मशीनिंग करने के लिए आपका कूलेंट क्या होता है, जनरली ड्राई एयर का यूज किया जाता है, ठीक है, ड्राई एयर और नो कूलेंट का यूज किया जाता है। तो आपको पता होगा, अब मैं बताता हूँ, जैसे आपको पता होगा स्टील या हाई कार्बन जैसे स्टील के जनरली सॉल्युबल ऑयल का यूज किया जाता है, सॉल्युबल ऑयल का यूज किया जाता है, ठीक है। आपका स्टेनलेस स्टील का किया जाता है, स्टेनलेस स्टील का अगर करते हैं तो आपको क्या, सल्फर बेस्ड मिनरल ऑयल का यूज किया जाता है। अगर आप कॉपर एल्यूमिनियम का यूज करते हैं तो इसके लिए आपका जनरली किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, केरोसिन का यूज़ किया जाता है, और ड्राई और कास्ट आयरन ब्रास ये सब के लिए जनरली ड्राई एयर का यूज़ किया जाता है, ये सब कूलेंट है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है, द टूल पोस्ट ऑफ प्लानिंग मशीन इज माउंटेन ऑन। बोला प्लानिंग मशीन का टूल पोस्ट, याद रखिएगा टूल पोस्ट बोला है, टूल हेड नहीं बोला, टूल पोस्ट आपको कहाँ होता है। ऑप्शन ए एप्रॉन, ऑप्शन बी क्रॉस रेल, ऑप्शन सी क्लैपर बॉक्स, ऑप्शन डी सैडल। तो जो 42 का आंसर होगा वो होगा सी क्लैपर बॉक्स। देखिए यहाँ पर टूल पोस्ट बोला है, टूल पोस्ट आपको पता होगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, समझ लीजिए ये आपका टूल हेड है प्लानिंग मशीन का, जो ऐसे इस साइड से जो क्रॉस रेल पे होता है, ठीक है, इसमें एक ऐसा बॉक्स टाइप का बना होता है, ठीक है, उसमें ऐसे करके टूल हमारा जो होता है टूल लगा होता है, ये क्लैपर बॉक्स के साथ होता है जो कि टूल को रिटर्न और फॉरवर्ड स्ट्रोक के समय हिंज करता है टूल को। तो बोला है टूल पोस्ट, बोला आपको ये बोला टूल पोस्ट कहाँ होता है, तो टूल पोस्ट आपका क्लैपर बॉक्स में, क्लैपर बॉक्स में होल्ड होता है। अगर टूल हेड बोलता तब इसका आंसर मारते हैं आप लोग क्रॉस रेल मारते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या बोला है, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ मेटल इज इट्स एबिलिटी टू रेसिस्ट अ फ्रैक्चर व्हेन सब्जेक्ट टू टेंसाइल लोड। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेटल इज एक्सप्रेस इन, बोला है किसी मेटल का टेंसाइल स्ट्रेंथ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। 43 का आंसर होगा बी, किलोग्राम पर एमएम स्क्वायर से। 44 देखिए, विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिलिंग कटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर क्लाइब मिलिंग।
अगर आपको क्लाइंब मिलिंग करनी है, आपको पता होगा क्लाइंब मिलिंग किसको बोलते हैं, क्लाइंब मिलिंग डाउन मिलिंग का दूसरा नाम है क्लाइंब मिलिंग, ठीक है। अगर आपको पता ना हो क्लाइंब मिलिंग क्या हो, तो मेरे वीडियो को, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा अप मिलिंग और डाउन मिलिंग का, आप वहां जाके आप अप मिलिंग और डाउन मिलिंग का डिफरेंस देख सकते हैं, वहां आपको पता चलेगा क्लाइंब मिलिंग क्या और किसे कहते हैं। तो बोला वो क्लाइंब मिलिंग करने से वक्त हमारा मिलिंग मिलिंग कटर होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए लेफ्ट हैंड कटिंग, ऑप्शन बी टिप मटेरियल इज कार्बाइड, ऑप्शन सी लार्ज क्लियरेंस एंड रेक एंगल, ऑप्शन डी द टीथ आर स्ट्रेट टू द एक्सिस ऑफ कटर। तो 44 का आंसर होगा लार्ज क्लियरेंस एंड रेक एंगल। 45 नंबर देखिए, अ गियर व्हील हैज 36 टीथ एंड 3 मॉड्यूल, द पिच डायमीटर, मैं सारे इससे पहले ऊपर मैंने सॉल्व किया था, पिच डायमीटर का फॉर्मूला होता है ZM, Z के जगह आप लोग 36 करिएगा, मॉड्यूल के जगह 3 करिएगा, तब का आंसर आएगा 108। 46 नंबर देखिए क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड फॉर्म्स इज प्रोवाइडेड इन द थ्रेडेड पार्ट वेयर द प्रेशर एक्ट ऑन वन फ्लैंग ऑफ द थ्रेड। बोलता है कौन सा ऐसा थ्रेड है जिसके ओनली वन फ्लैंग पे थ्रेड का प्रेशर पड़ता है, ओनली वन फ्लैंग। तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा, बट्रेस थ्रेड एक ऐसा थ्रेड है जिसके ओनली वन फ्लैंग का थ्रेड का प्रेशर पड़ता है। आपको पता होगा बट्रेस थ्रेड का एंगल भी पता होगा, बट्रेस थ्रेड का एंगल कितना होता है 45 डिग्री होता है, ये भी थ्रेड क्या 60 डिग्री कर लिए, स्क्वायर थ्रेड 90 डिग्री, नकल थ्रेड आपको पता होगा नकल थ्रेड कैसा होता है, नकल थ्रेड रेडियस की तरह होता है ऐसे, ठीक है। अब बट्रेस थ्रेड कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जिसका एंगल 45 डिग्री होता है, ठीक है, जिसका प्रेशर जो होता है वो वन फ्लैंग पे पड़ता है। अगर आपको बोले कि प्रेशर बोथ फ्लैंग पे पड़ता है तब आप इसलिए स्क्वायर थ्रेड मारिएगा, अगर बोथ फ्लैंग पे प्रेशर पड़े तो स्क्वायर थ्रेड, अगर वन फ्लैंग पे तो बटरेस थ्रेड। 47 नंबर देखिए क्या बोलना है, विच वन ऑफ द बुश यूज इन ड्रिल जिग एंड परमिट कटिंग टूल ऑफ डिफरेंट डायमीटर। बोल रहा है इनमें से कौन सा बुश का यूज ड्रिल जिग में किया जाता है जो कि डिफरेंट डायमीटर ऑफ टूल को करने के लिए यूज किया जाता है। तो आपको होगा कि आपको जैसे जैसे अब इसका याद करने के एक ट्रिक है कि आपको बहुत सारे ड्रिल को पकड़ना है, टूल कटिंग टूल्स को एक ही ऑपरेशन में, मींस एक ही जगह आप समझिए बहुत सारे टूल का यूज करना है। तो इसमें क्या करना था, आप ऐसे बुश का यूज करेंगे जिसको आप ड्रिल के डायमीटर के अनुसार उसको बदल सके। तो आपका आंसर क्या होगा, 47 का बी होगा, रिमूवेबल बुश, स्लिप रिमूवेबल बुश, जिसको आप बार बार उसको रिमूव कर सके और फिर लगाकर ड्रिल के डायमीटर का आवश्यकता अनुसार लगा सके। 48 नंबर देखिए क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज्ड इन शॉप फ्लोर फॉर चेकिंग ऑफ द फॉर्म दैट बीन टर्न्ड। मींस बोल रहा है कि कौन सा इक्विपमेंट जो शॉप फ्लोर में यूज किया जाता है जो चेकिंग करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए टेम्पलेट है, ऑप्शन बी स्नैप गेज है, ऑप्शन सी DTI एंड स्लैप गेज है, ऑप्शन डी टूल रूम माइक्रोस्कोप है। तो जब तो पता अगर शॉप फ्लोर में जनरली चेकिंग करने के लिए हम लोग स्नैप गेज का यूज कर सकते हैं, तो 48 का होगा बी स्नैप गेज। 49 देखिए, वाइल ग्राइंडिंग एंड लैपिंग सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल द डायमंड व्हील इज गुड, फ्लो ऑफ कूलेंट शुड बी डायरेक्ट टू कवर अ ग्राइंडिंग जोन, द कूलेंट सुटेबल इज। बोल रहा है कि जब हम लोग ग्राइंडिंग और लैपिंग करते हैं सीमेंटेड कार्बाइड टूल से डायमंड व्हील में, तो हमको कूलेंट कौन सा यूज करेंगे, तो इसका आंसर होगा 49 का ए सॉल्युबल ऑयल होगा, सॉल्युबल ऑयल। मैं बोलना चाहूँगा अगर कोई बलबीर सिंह की बुक्स फॉलो करते हैं, जी सेट्टी वाली बुक फॉलो करते हैं, उसके मिसलेनियस में सेम क्वेश्चन होगा, उसका आंसर दिया होगा मिक्सर विथ पैराफिन वाटर। ये आंसर कभी भी मत मारिएगा क्योंकि ये आंसर गलत है, ठीक है, क्योंकि सारे आंसर में आपको सॉल्युबल ऑयल ही लेगा, इसका यूज नहीं होता है, तो आपका क्वेश्चन एक नंबर कट जाएगा, इसलिए सॉल्युबल ऑयल मारिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी डन ऑन स्लॉटिंग मशीन, मीन बोला कौन सा ऑपरेशन है जो स्लॉटिंग मशीन में कर सकते हैं। ऑप्शन ए एक्सटर्नल कीवे ऑन लॉन्ग शाफ्ट, ऑप्शन बी इंटरनल ग्रूव्स, ऑप्शन सी वुड्रफ की ऑन शाफ्ट, ऑप्शन डी कीवे ऑन फेदर की। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा वुड्रफ की ऑन ए शाफ्ट। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या बोल रहा है, और स्क्रू थ्रेड
इज डेजिग्नेटेड एज वन बीएसपी थ्रेड इन वन इन बीएसपी थ्रेड दैट वन इंडिकेट वन इंच क्या बोल रहा है मीन्स बोल रहा है कि जैसे आपको पता होगा कि थ्रेड को जब भी हम लोग स्पेसिफाई करते हैं तो उसके मेजर डायमीटर से करते हैं, ठीक है, मेजर डायमीटर से हम लोग उसको स्पेसिफाई करते हैं। पर यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, वन इंच एक इंच बीएसपी थ्रेड है, ठीक है। बीएसपी मीन्स ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड को स्पेसिफाई किया जाता है उसके होल डायमीटर से, तो 51 का डी होगा आंसर, ठीक है। 52 नंबर देखिए क्या बोलता है, व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ ड्रिल, क्वेश्चन पहले ही बताया क्लियरेंस एंगल ऑफ ड्रिल के ज्यादा तो वीक कटिंग एज होता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर टू विच द वर्क पीस इज हिटन डिपेंड अपॉन द मटेरियल एंड टाइप ऑफ फोर्जिंग प्रोसेस, द टेम्परेचर रेंज फॉर लो कार्बन स्टील, बोला अगर लो कार्बन स्टील का फोर्जिंग कर ली करना पड़ता है तब को टेम्परेचर क्या होगा, तब टेम्परेचर वो 1800 से 1300 के बीच में होता है। 53 का आंसर जो होगा मेरा सी होगा। 54 देखिए क्या है, इट इज कॉमनली ऑब्जर्व दैट द फेस ऑफ ग्राइंडिंग विल बिकम शाइनी एंड स्मूथ और ग्लेज आफ्टर सम यूज ड्यू टू वन ऑफ द रीजन स्टेटेड बिलो, मीन्स बोल रहा है कुछ ग्राइंडिंग व्हील को यूज करते रहते क्या होता है, आपका ग्राइंडिंग व्हील का फेस जो होता है शाइनी हो जाता है जिससे वो ग्राइंडिंग ऑपरेशन नहीं करता है, मीन्स मेटल को नहीं काटता है, तो ये इसका कारण क्या है। आपको पता होगा जब ऐसा होता है तो उसको हम लोग ग्लेजिंग बोलते हैं, ठीक है। ग्लेजिंग ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम लोग ग्राइंडिंग व्हील का जो फेस होता है वो शाइनी और स्मूथ होता है जो ग्राइंडिंग ऑपरेशन नहीं कर पाता है, तो इसका जो कारण है जनरली क्या होता है, व्हील जो हार्ड अगर यूज करता है हम लोग हार्ड व्हील, ठीक है, तो होता है, तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या बोला, अ ट्रैवलिंग स्टेडी रेस्ट इज फिक्स्ड ऑन ए सैडल ऑफ द लेथ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेडी रेस्ट। आपको पता होगा दो टाइप का स्टेडी रेस्ट है, एक ट्रैवलिंग मींस एक फॉलोअर स्टेडी रेस्ट या ट्रैवलिंग स्टेडी रेस्ट है, एक फिक्स स्टेडी रेस्ट है। फिक्स स्टेडी रेस्ट आपको पता होगा बेड पे फिक्स होगा, फॉलोअर स्टेडी रेस्ट आपको पता होगा ठीक टूल के पीछे कैरेज पे फिक्स होता है। तो स्टेडी रेस्ट का काम क्या है, स्टेडी रेस्ट का काम आपका पता होगा कि जो लॉन्ग शाफ्ट कभी भी जब लॉन्ग शाफ्ट को जब टर्न किया जाता है तो उसको बेंडिंग से बचाने के लिए इसको यूज किया जाता है, तो 55 का आंसर होगा ए। 56 नंबर देखिए क्या बोलता है, जीरो सेटिंग अप टू पॉइंट बो डायल गेज बिफोर मेजरमेंट इज नेसेसरी। आप जब मैं ये बोलना चाहूंगा, आप चाहे कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो, उसको यूज करने से पहले हम उसको क्या चेक करते हैं कि वो मेटल जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसका वर्नियर स्केल और मेन स्केल 00 पे है कि नहीं। अगर 00 पे चेक कर लेते हैं कि वो 00 पे है कि नहीं, उसमें कोई इनएक्यूरेसी तो नहीं है, अगर इनएक्यूरेसी हो तो उसको हम लोग एक्यूरेसी को ठीक कर लेते हैं। तो किस लिए करते हैं, ताकि हमारा एलिमिनेट क्या, अगर जब मेजरमेंट करें हमारी कुछ गलतियां ना हो, तो क्या होगा 56 का आंसर होगा डी, एलिमिनेट इनएक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। 59 7 देखिए क्या बोल रहा है, इंडेक्सिंग हेड मैकेनिज्म वर्क विथ। आपको कल मैंने ही बताया था, जब मैंने कल वॉर्म गियर का जब मैं कैलकुलेशन बताया था, बताया था वॉर्म गियर जो होता है वो हमारे इंडेक्सिंग हेड में यूज होता है, वॉर्म एंड वॉर्म गियर। 57 का बी। 58 क्या बोला, विच गियर अरेंजमेंट इज यूज टू चेंज द सर्कुलर मोशन टू द हॉरिजेंटल टू वर्टिकल विदाउट चेंज द स्पीड रेशियो। मीन्स बोल रहा है अगर आपको सर्कुलर मोशन जो है हॉरिजेंटल से वर्टिकल में चेंज करना हो स्पीड रेशियो बिना चेंज किए, तो क्या होगा, आपको दो बीवल गियर लगेंगे जो ऐसा करते हैं। एक बीवल गियर इस ऐसे जो हॉरिजेंटल स्पीड को, और एक बीवल गियर एक ऐसे कनेक्ट होगा, दोनों सेम ऐसे, ठीक है, जो आपके इस पावर हॉरिजेंटल इस पावर को वर्टिकली जो होगा वो ट्रांसफर करेगा। 59 देखिए क्या बोल रहा है, What is a built-up edge is respect of turning tool. Built-up edge क्या है, Job material embed on tool cutting edge, a carbide tip solder on tool shank, a method of reconditioning worn out cutting tool edge, a tool cutting edge with a creator on it. So 59 का answer C होगा, a method of reconditioning worn out cutting tool edge. 60 नंबर देखिए क्या बोलना है, A slip gauge are used to standard for precision length measurement. The slip gauge are available in 4 grades. आपको पता होगा slip gauge जो होता है आपको generally
मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, आप स्लिप गेज आपके साथ साइन बार के साथ भी आप यूज करते हैं, जब टेपर मेजरमेंट करना होता है ये, ठीक है। तो स्लिप गेज में ग्रेड पाया जाता है, 0 0 ग्रेड 0 है, ग्रेड 0 0 ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है। तो इसमें कौन से स्लिप का गेज का यूज ओनली रेफरेंस पर्पज के लिए यूज होता है, तो आपको पता होगा ग्रेड 0 0 का यूज ओनली रेफरेंस पर्पज के लिए यूज होता है। 61 देखिए क्या होगा, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज द ड्रिल फॉर सॉफ्ट मटेरियल, आप किसी भी ड्रिल को कैसे पता चले करेंगे ये सॉफ्ट मटेरियल क्या है, तो बताता हूँ। 61 का ए होगा भाई लार्ज हेलिक्स एंगल, बताता हूँ लार्ज हेलिक्स एंगल, ठीक है। ड्रिल दो तरह का, ड्रिल का एंगल जितना लार्ज होगा, ठीक है, लार्ज हेलिक्स एंगल जो होता है ड्रिल वो जनरली यूज होता है सॉफ्ट मटेरियल पे, और स्मॉल हेलिक्स एंगल ऑफ ड्रिल जनरली यूज होता है हार्ड मटेरियल काटने के लिए, जब हार्ड मटेरियल काटेंगे तो स्मॉल हेलिक्स एंगल यूज होता है। 62 नंबर देखिए क्या है, ड्रेसिंग एंड टर्निंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील आर, ड्रेसिंग और टर्निंग जो ग्राइंडिंग व्हील की जाती है वो एक ही इक्विपमेंट के साथ की जाती है, डन विद सेम इक्विपमेंट, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं डायमंड ड्रेसर होता है, जिसे यूज किया जाता है, ठीक है। 62 का बी होगा। 63 नंबर देखिए क्या है, द वेब ऑफ ट्विस्ट ड्रिल ड्यू टू रिपीटेड ग्राइंडिंग कॉज रेजिस्टेंट टू फीडिंग व्हाइल ड्राइंग अ 12 मिलीमीटर होल, द अबव इफेक्टिव इज रिड्यूस्ड बाय प्रोवाइडिंग, ऑप्शन ए नेगेटिव ड्रैग ऑफ वेब, ऑप्शन बी थिनिंग ऑफ वेब, ऑप्शन बी लेस फीडिंग फोर्स, ऑप्शन डी मोर फीडिंग फोर्स। तो 63 का आंसर होगा सी लेस फीडिंग फोर्स। 64 नंबर देखिए क्या है, इट इज रिक्वायर्ड टू फिनिश अ ग्राइंड अ डाया 50 mm हार्डन स्टील शाफ्ट ऑन अ सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन, इफ द रिकमेंडेशन सरफेस स्पीड ऑफ द वर्क इज 30 meters per minute द RPM ऑफ द वर्क। तो आप इसको निकाल सकते हैं, आपको पता होगा कटिंग स्पीड भी इक्वल टू होती है पाई dN by 1000 होती है, ठीक है। पाई का वैल्यू आप 22/7 लगा लीजिएगा, डी के वैल्यू आपको लगा लीजिएगा डाया इन mm में लगा लिया 50 रेवोल्यूशन पर मिनट आपको दिया नहीं गया है, और ये 33 दिया, आप करेंगे तो कुछ 10 2 10 आएगा, तो 64 का सी आंसर। 65 देखिए, 1.5 mm डिस्प्लेसमेंट ऑफ टूल पॉइंट इन बोरिंग ऑपरेशन विल बी रिजेक्ट इन द चेंज इन द डायमीटर, बोल रहा है अगर बोरिंग टूल आपका एक डायरेक्शन में अगर 1.5 जाता है तो डायमीटर में कितना चेंज होगा। आपको पता होगा बोरिंग टूल अगर इंटरनली एक डायरेक्शन में अगर 1.5 जाता है इस तरफ 1.5, तो डायमीटर में 3 mm का चेंज होगा। 65 का सी। 66 नंबर देखिए क्या बोला, द पोजीशन ऑफ गियर कटर ऑन द आर्बर फॉर रैक मिलिंग, रैक मिलिंग काटने के लिए आपका द पोजीशन रैक मिलिंग करने के लिए आपका गियर कटर का आर्बर के ऊपर पोजीशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अलग अलग चीज अलग अलग बुक अलग अलग बोलते हैं, तो बता देता हूँ कौन से बुक क्या क्या बोलते हैं। देखिए इसका जनरली आंसर होगा नियरर टू आर्बर सपोर्ट होना चाहिए, कि अगर आप जितना आपका कटर आर्बर सपोर्ट के पास होगा उतना आप ज़्यादा बड़ा दांत काट सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेडक, आपको पता होगा मेडक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, अगर उसका आंसर की देखेंगे तो नियरर टू, वो लोग नियरर टू कॉलम बोले हैं, ठीक है। नीमी की असाइनमेंट की बुक में मिडिल बोला गया है, ठीक है, इसका आंसर ऐसे नियरर टू आर्बर सपोर्ट मारिएगा, अगर ना अगर ऐसा को अगर आपको शक हो तब मिडिल मार के छोड़ सकते हैं, ठीक है। 67 नंबर देखिए, वेरियस अलॉइंग एलिमेंट आर एडेड टू प्रोटेक्ट द डिफरेंट अलॉय स्टील, बोल रहा है कि HSS के लिए क्या क्या यूज़ किया था। आपको पता है HSS के लिए हम लोग टंगस्टन क्रोमियम वैनेडियम 18:4:1 यूज़ करते हैं, 18:4:1 टंगस्टन क्रोमियम वैनेडियम का यूज़ करते हैं। तो देखिए कहाँ पे है ये, देखिए 67 का डी में। 68 नंबर देखिए क्या, विच इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ यूनिट इन फीड रेट इन मिलिंग, मिलिंग मशीन को फीड रेट आपको पता होगा 3 तरह से दिखाते हैं मिलिंग मशीन का फीड रेट, जनरली मीटर पर फीड रेट को हम लोग मीटर पर मिनट से दिखाते हैं, आप मिलिंग मशीन में मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन भी होता है, मिलीमीटर पर तिथि भी होता है, और मीटर पर मिनट भी होता है, ठीक है। तो फीड जो होगा वो होगा 68 का ए। हेलो फ्रेंड्स, इसका 68 जो दिया है 68 को करेक्ट कर लीजिएगा, 68 का आंसर ए नहीं होगा, 68 का आंसर जो होगा वो होगा डी मिलीमीटर पर मिनट, क्योंकि रिवोल्यूशन मीटर पर मिनट जो होता है वो स्पीड की होती है, ठीक है।
स्पीड की जो होती है कैलकुलेशन वो मीटर पर मिनट में होती है, आपको पता होगा, ठीक है। जो फीट की होती है मिलिंग मशीन में, वो मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन होती है, मिलीमीटर पर टिक भी होती है और मिलीमीटर पर मिनट भी होती है। तो 36, 68 का डी आंसर होगा। 69 देखिए क्या बोल रहा है, इन अ शेपिंग मशीन विथ मैकेनिकल ड्राइवर रैम द रैम स्पीड इज नॉट यूनिफॉर्म। बोल रहा है कि मैकेनिकल अगर एक शेपिंग मशीन है उस पर रैम की स्पीड कब यूनिफॉर्म नहीं होती है। ऑप्शन ए एट द बिगिनिंग ऑफ कटिंग स्ट्रोक, ऑप्शन बी इन द मिडिल ऑफ द कटिंग स्ट्रोक, ऑप्शन सी एट द एंड ऑफ द रिटर्न स्ट्रोक, ऑप्शन डी इन द मिडिल ऑफ द रिटर्न स्ट्रोक। आपको पता होगा 69 का डी आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 जो इस पीडीएफ का आखिरी क्वेश्चन है वो क्या है, थ्रेड मेजरमेंट विथ इंसर्ट फिटेड इन द एनविल एंड स्पिंडल ऑफ स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिक ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ द थ्रेड बींग मेजर्ड। मीन्स बोलता है जब भी हम लोग स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से थ्रेड को मेजर करेंगे तो जो हमारा एनविल और स्पिंडल पे, आपको पता होगा कुछ ऐसे शेप का एनविल और स्पिंडल पे, एनविल में कुछ ऐसा और स्पिंडल में कुछ ऐसा लगाया जाता है, ठीक है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन ए मेजर डायमीटर, ऑप्शन बी माइनर डायमीटर, ऑप्शन सी इफेक्टिव डायमीटर, ऑप्शन डी पिच। 70 का ए होगा, ये मेजर डायमीटर पर डिपेंड करके हम लोग लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग का वीडियो का लिंक दे दूंगा और उसी के नीचे मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा जहां पे आप आकर ज्वाइन करके इस वीडियो का इस पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।